रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। केहू कुछ ना करी जौन करब तौन हम करब, ई नीतीश कुमार जी के नया एगो बात आयल बा। उ आयल बा शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक लोग खातिर। गौर लगा नहीं, स्वागत बा रुवा लोग के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। आज शिक्षक दिवस है और तमाम गुरुजन लोग के हमू प्रणाम करतनी, कारण कि रुवा लोग सुनले बानी और ये सुनने का बानी ये आत्मसात करे वाला शब्द बा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दिए बताए। अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाए वाला गुरुजन, जिनका स्वार्थ सिर्फ एक ही होला कि उनकर हर छात्र बेहतर से बेहतर करो, बढ़िया इंसान बनो और अपना जीवन में वो गुरु के दिहल शिक्षा के आगे लेकर के जाओ और भी ओकरा के प्रचार प्रसार करो। बिहार में शिक्षा के लेकर के कई तरह के सवाल उठता, कई तरह के बात उठता, यही बीच में गुरुजन लोग भी खुश नहीं है। शिक्षा के जौन कहा जाता कि हब या फिर कहा जाता कि शिक्षा स्थली ज्ञान स्थली के रूप में ये बिहार के जानल जाता है, या के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह वगैरह बहुत सारा विश्वामित्र जी के यहाँ कुटिया रहल है, जौन राम जी के शिक्षा देते रही। अब ये सब के बावजूद जौन वर्तमान स्थिति बा शिक्षा के, ओकरा के लेकर के काफ़ी चिंताजनक स्थिति बा और दोनों तरफ से बा। इस बीच में आज कार्यक्रम रहल है पटना में शिक्षक दिवस के, जौन में बेहतर काम करे वाला के शिक्षक लोग के सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहनी है। अब ये सब के लेकर के नीतीश कुमार जी एक तरफ जहाँ शिक्षक दिवस के कार्यक्रम कर रहल बानी, सरकार आयोजन में लागल बा, अपन क्रियाकलाप के अपन योजना के प्रचार प्रसार हो रहल बा, वो जो दूसरा तरफ हजारों हजार के संख्या में लाखों शिक्षक आज 5 तारीख के शिक्षक दिवस के दिन यह बात के लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं कि उनकर स्थिति चपरासी से भी बदतर बा। यानी कि समान काम समान वेतन के लेकर के एक मांग चल रहा बा और सरकार एक से इनकार कर ले बड़ी। अब एक पर नीतीश कुमार जी के जौन बात सामने आई है, वही आई है कि केहू कुछ ना करी जौन करब तौन हम ही करब। इस बात के लेकर के दोनों तरफ से तीर और तलवार कटार सब कुछ खुल गई बा, वार दोनों तरफ से हो रहा बा। जहाँ एक तरफ पटना के एक छोर पर शिक्षक आंदोलन में बान, पूरे बिहार भर से जुट करके आयल बान, पहले वो लोग के गांधी मैदान में स्थान डिमांड कैले रहे, ओकर शायद पैसा भी जमा हो गए रहे लेकिन ओकरा के निरस्त कर दिहल गई। फिर संजय गांधी स्टेडियम गर्दनी बाग में व्यवस्था कई लोग, वोजा भी स्टेडियम के किराया वगैरह जोन होला सरकार के कट गई, ओकरा बाद भी झंडा पतंगा बैनर सब लाग गई, मंच मंच सब बन गए, लेकिन रातों रातों या ताला लाग गई कि एजो नहीं करे के। बड़ा विकट परिस्थिति बा शिक्षक लोग के स्थिति, ज्ञान देवे खातिर निकलल हा लोग, लाठी खाए के पड़ी कि का करे के पड़ी तो समय बताई, माहौल धीरे धीरे और राजनीति भी गरमा गई बा। तेजस्वी यादव पटना छोड़ के भाग गई बड़न और पप्पू यादव पूरा मामला के अपना हाथ में लेवे खातिर तैयार बड़न, आ गए बड़न दिल्ली से, जौन नेता प्रतिपक्ष दिल्ली गई है और पप्पू यादव जौन की लालू प्रसाद के और बिहार के विरासत के युवा लोग के एकजुट करे के और शिक्षक लोग के समर्थन में खड़ा होता रहन, शिक्षा के लेकर के बहुत सारा बात कर ले। पप्पू यादव अब पूरा तैयारी कर ले कि शिक्षक के समर्थन में हो जाए और भी कई दल समर्थन कर लेवा। और इस सब के बीच नीतीश कुमार जी के ई कहना कि केहू कुछ ना करी जौन करब तन हम ही करब, बहुत बड़ा बात बा। नीतीश कुमार जी का कहतनी वो लोग पहले सुन ली। भट्ट का योगदान है तो हम लोग तो एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं। आर्यघट्ट में भी एस्ट्रोनॉमी का होगा, रिवर स्टडीज का भी। जैसे कि वो लोग सुनिए लेनी कि नीतीश कुमार जी का कहता नहीं, अब प्रदर्शन के भी स्थिति देख ली ही कि प्रदर्शनकारी का कहता रहन, शिक्षक लोग के का स्थिति बा और कोर्ट से तो वो लोग के जो डिमांड रहे मांग रहे वो निरस्त कर दिया गया बा कि जो सरकार नियम बनौले बाड़ी नियमावली बनौले बाड़ी वो नियमावली एकदम फिट बा। देखे वाला बात ये हुई कि यह लड़ाई में जीत के कर होता हार के कर होता, राजनीति अगर एमे समा गई तो निश्चित रूप से शिक्षक लोग के लाभ मिल सकेला और देवे खातिर नीतीश कुमार जी के मजबूर भी होकर पड़ सकेला, ऐसे
कि आवे वाला 2020 के चुनाव बहुत कुछ कह रहा बा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी अकेले ये पूरे मामला के विरोध में खड़ा बन, यानी शिक्षक लोग के डिमांड के अवैध बतावत रहन, और अगर कुछ डिमांड बा भी जना के पूरा कर सकले तो नीतीश कुमार जी कहते रहे कि हम ही पूरा करब, लेकिन कोई दोसर भी अगर है डिमांड के मांग करके और ये कह देवे कि ना भाई हमरा के ले आओ लोग और हम 2020 में सब कुछ पूरा कर दे, मामला पलट सकेला, गोड़ लगता नहीं, फिर कोनो खबर लेके हाजिर होता नहीं। दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।